जय हिंद दोस्तों, क्लियर सीजीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम जो पिछले समय से एक सीरीज चला रहे हैं अलग अलग जिलों के छत्तीसगढ़ के प्रमुख मंदिरों के बारे में, जिसमें हम चर्चा करते हैं, उसी में आज हम एक नया जिला राजनांदगांव जिला, राजनांदगांव जिले के प्रमुख मंदिरों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो राजनांदगांव में जो सबसे पहले हमको एक नगरी पकड़नी है, वो नगरी आती है हमारी डोंगरगढ़। तो डोंगरगढ़ की यदि बात करें तो ये लोकेटेड है राजनांदगांव और इससे 36 किलोमीटर दूरी पर, कहाँ पे आपका हावड़ा मुंबई रेल मार्ग जो है वहां पर ये स्थित है। इसकी बात की जाए तो इसका पुराना नाम है कामाख्या नगरी। कामाख्या नगरी इसे प्राचीन काल में कहा जाता था, जिसके राजा होते थे वीर सिंह। आप किंवदंती है, आप बोल सकते हैं, ऐसी बातें कही जाती हैं कि जो राजा वीर सिंह थे उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। उस समय वो शिव जी और पार्वती जी की पूजा करते हैं और पूजा करने के पश्चात 1 वर्ष बाद उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। संतान के रूप में उनके पुत्र का जन्म होता है, नाम रहता है उनका मदन सिंह। जब वीर सिंह जी को पुत्र की प्राप्ति होती है तो वो खुश होके देवी, मतलब भगवान की, आप बोल सकते हैं एक तरीके से उपकार जताने के लिए कि भगवान ने हमको दिया है, कृतज्ञता दर्शाने के लिए वो एक मंदिर का निर्माण करवाते। तो मंदिर का निर्माण करवाते हैं वो एक पहाड़ी पर। पहाड़ी की ऊंचाई रहती है 1600 फीट, या आप कह सकते हैं इसको 1600 फीट पे पहाड़ी की ऊंचाई रहती है। यहाँ पर ये मंदिर निर्माण करवाते हैं। मंदिर बनाते हैं वो माता बम्बलेश्वरी जी का मंदिर। तो माता बम्बलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, या डोंगरगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है तो हम कह सकते हैं बम्बलेश्वरी माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अब बम्बलेश्वरी माता मंदिर में जो माता का रूप है वो बगला मुखी माता का रूप है, इसको ध्यान रखिएगा, बगला मुखी माता का रूप है। प्रत्येक वर्ष दोनों नवरात्र में, अर्थात चैत्र नवरात्र और क्वार नवरात्र, जो नवरात्रियां होती हैं, यहाँ पर 9 9 दिन का मेला लगता है। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है, यदि हम डोंगरगढ़ की बात करें तो डोंगरगढ़ का शाब्दिक अर्थ, तो डोंगर का अर्थ होता है पत्थर और गढ़ का अर्थ होता है किला। तो डोंगरगढ़ को यदि हम करें इसका शब्दार्थ देखें तो ये निकलता है पत्थरों से निर्मित किला। अब वापस आते हैं, हम कामाख्या नगरी कह लें या डोंगरगढ़ कह लें, प्राचीन काल में राजा वीर सेन के पुत्र हो जाते हैं मदन सेन, और मदन सेन के बाद ये जो पुत्र हैं उनके, मदन सेन के होते हैं काम सेन। तो डोंगरगढ़ का एक और नाम पड़ जाता है काम सेन के नाम पर, कमावतीपुरा। इन्होंने जो है इस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, कमावतीपुरा कहने जाने लगा। ये मंदिर पहले राजाओं के अधीन था, पर 1964 में खैरागढ़ जब रियासत के अंतर्गत आने लगा डोंगरगढ़, तो उनके जो भूतपूर्व राजा थे, राजा का नाम था वीरेंद्र बहादुर सिंह, तो वीरेंद्र बहादुर सिंह ने जो है मंदिर का संचालन ट्रस्ट के हाथों में इसको सौंप दिया। यहीं पे यदि हम बात करते हैं बम्बलेश्वरी माता मंदिर के पास में ही ऊपर में बड़ी माता है और नीचे की हाइट में 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे छोटी बम्बलेश्वरी माता का स्वरूप है, वहां पे छोटी बम्बलेश्वरी माता की पूजा की जाती है। आगे यदि बात की जाए तो इसी मंदिर के पीछे तपसी काल नामक का एक दुर्ग है, जिसके अंदर भगवान विष्णु का मंदिर है, और इसके साथ साथ इसी पर्वत पर, इसी पहाड़ी पर बिमलई देवी सिद्धपीठ है, जो यहाँ की लोकल जनजाति भैना, भैना जनजाति के लोगों की कुल देवी मानी जाती है। तो इतनी चीजें हैं हमारे पास डोंगरगढ़ में, जो डोंगरगढ़ में बम्बलेश्वरी माता का मंदिर है। साथ ही साथ डोंगरगढ़ में एक और पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध की 30 फुट ऊंची प्रतिमा है। ये प्रतिमा जो है अलग अलग धातुओं से मिलकर बनी है, ये गौतम बुद्ध की 30 फुट ऊंची प्रतिमा है यहाँ पर। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें और क्या मिलने वाला है, राजनांदगांव जिले के अंतर्गत डोंगेश्वर महादेव का मंदिर, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारी परीक्षा के लिए, सीधा पूछा जाता है डोंगेश्वर महादेव मंदिर कौन से जिले में है। आते हैं हम लोग दूसरे सिटी पकड़ेंगे हम राजनांदगांव जिला के अंतर्गत, तो वो है राजनांदगांव। राजनांदगांव शहर के अंदर कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, तो राजनांदगांव शहर के अंदर पाताल भैरवी मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आसपास के एरिया में, आसपास के क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा माता का मंदिर प्रसिद्ध यही वाला है। और इसके साथ साथ राजनांदगांव जिला में एक और मंदिर हमें मिलेगा, ये मंदिर है जैन पिलग्रिम सेंटर चंद्रगिरी। तो चंद्रगिरी का है ये, एक्चुअल में मैप में पीछे की तरफ आएगा, मैंने इसको आगे की तरफ डाला है। तो लोकेशन पे यदि हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो राजनांदगांव जिले के अंतर्गत इतने प्रमुख मंदिर होते हैं। साथ ही साथ यदि मंदिरों से हट की बात की जाए
राजनांदगांव में खैरागढ़ है जो प्राचीन काल में देशी रियासत थी, और देशी रियासत होने के साथ साथ एशिया का पहला संगीत महाविद्यालय यहीं पे होता है, इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय या विश्वविद्यालय बोल दीजिए उसको, महाविद्यालय रहेगा वो हम देखेंगे। ये सारी चीजें हम आगे के सेशन पे करेंगे, तो आज के लिए इतना ही था, अभी इस वीडियो को ओवर करते हैं। जय हिंद।